Hi students, I welcome to all of you to this session of polity. You know that this is the continuation of the previous lecture number 13. This is your lecture number 13, and here we are going to discuss about the important articles articles of Indian Constitution. Last class we discussed about the articles from 51 to 52 to 251. So they are the basically union and states and union territory we are discussing. So today we are going to discuss about from the article 252. Article 252 tells us the power of the parliament to legislate for two or more states by consent and adoption of such legislation by any other states. मतलब power of the parliament के पास क्या power है to legislate two or more state, एक और इसके दो और उससे ज़्यादा more state by consent and adoption of such legislation by any other state. ठीक है, ये power मिलता है legislate करना है two or more state, मतलब march करना है, ये करना है, वो करना है, सारा की सारा power ये 252 में है. कोई changes है ना करना है तो. ठीक है, 253 क्या बोला जा रहा है, 253 legislate for giving effect to international agreement. International agreement में जो कुछ मतलब दखलदारी देना है तो 253 के ऊपर 253 में है ये सब लिखा है. ठीक है, 262 ये देखो, ये इंटरस्टेट कुछ रिवर फिवर है उसके लिए. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट हुआ था ना कुछ दिन पहले, इस समय ये बहुत नया न्यूज़ में थे. तो एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर्स वैली, कोई भी इंटर स्टेट में कोई डिस्प्यूट है तो ये वहाँ पर पावर मिलता है 262 के अंदर, और वो क्या करता है सोल्यूशन दिलाता है. 263 भी इम्पोर्टेंट है, 263 प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, इसके ऊपर प्रोविजन लिखा है यहाँ पर. 265 इट इज गिवेन हियर टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोस्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब जो टैक्स जो है ये नॉट टू बी इम्पोस्ड सेफ अथॉरिटी ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ लॉ के द्वारा जो मतलब सेव किया गया वो उसमें मतलब टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा. और देखो 266 भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्सोलिडेट फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स. देखो ये इसके बारे में तो लेक्चर चलेगा एक 30 मिनट्स का. कॉन्सोलिडेट फंड क्या है, ठीक है, तो कॉन्सोलिडेटेड फंड बोले तो जो फंड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, बोले तो कोई भी स्टेट को पैसा जो मतलब कोई भी मान लो सरकारी कर्मचारी वो लोग जो पैसा जो मिलता है ना वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है. ठीक है, तो सारा की सारा खर्चा सब कुछ है कहाँ से, ये कौन सा फंड से आता है, ये कंसोलिडेटेड फंड. बहुत सारा फंड है, हम लोग डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, बट फिलहाल ये समझो क्या क्या आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सब हम लोगों को जानना है. फिर एक फंड आता है 267 के तहत कॉन्टीजेंसी फंड. कभी कभी आप कॉलेज में अगर पढ़े हो तो सुनते हो कि कॉन्टीजेंसी 5,000 रुपये का कॉन्टीजेंसी बिल मिलता है. कॉन्टीजेंसी बोले तो कोई मतलब पेन कॉपी पेज ये वो सारा की सारा चीज़ आप खरीदते हो, फिर उसका बिल दिखाओ और पैसा लेके जाओ. तो ये मिलता था हम लोग जब मास्टर्स कर रहे थे ना एमटेक, तब जाके ये सब हम लोगों को भी मिला था. ठीक है,
कि जेरोक्स बुक्स कॉपी फॉपी ये वो सारा के सारा जितना खर्चा हुआ था ये प्रोजेक्ट करने के लिए जो खर्चा हुआ था सारा के सारा पैसा गया रिफंड हो जाता है ये कॉन्टीजेंसी फंड में। तो इसी तरह के सरकार की भी है कॉन्टीजेंसी फंड, जब कोई ऐसा कुछ चीज़ें है सब कुछ मतलब इस फंड से पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स डिस्क्रिशनरी ग्रांट। देखो कुछ ग्रांट देना है फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट, कोई सर्टेन स्टेट को कुछ ग्रांट देना है तो कौन देता है ये आर्टिकल 275 बोले तो जो माइन फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन जो है ना ये क्या करता है मतलब ये जो फाइनेंस कमीशन जो अभी 15 फाइनेंस कमीशन कौन है बोलो, ये है आपका एन के सिंह। ये कौन है 15 फाइनेंस कमीशन, ये 2020 से लेके 2012 से लेके 20 से लेके 25 तक रहेगा। तो अभी 14 फाइनेंस कमीशन के काम चल रहे अभी, बट पहले से ये डिटरमाइन हो जाता है कौन रहेगा 20 से 25 तक। तो 14 में कौन था, वाई वी रेड्डी। ठीक है, तो ये जो है ग्रांट जो कितना मिलेगा कौन सा स्टेट को कितना मिलेगा ये सारा के सारा चीज़ जो है ये 275 के तहत होता है। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी है कि रिसेंट जो पॉपुलेशन के ऊपर कुछ मिल रहा था ग्रांट, मतलब कुछ पैसा मिल रहा था जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलेगा फाइन, ये सब डिसीजन लिया गया था उसमें उत्तर प्रदेश यूपी सब ज़्यादा बेनिफिटेड हो रहा था, बट साउथ का जो जितना स्टेट है सब वो लॉस में जा रहा था, मतलब पैसा ज़्यादा नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, पॉपुलेशन कम है। तो फिर ऐसा बोला गया, फिर पहले क्या बोला गया था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो और इसके ऊपर तो खर्चा किया है लोग तमिलनाडु सब, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, अब इधर वो इधर पैसा किस बेसिस में मिल रहा है, फिर पॉपुलेशन के बेसिस में मिल रहा है तो हम लोग क्यों पॉपुलेशन कम करें। तो ये सारे के सारा चीज़ में मतलब देखा गया कि 275 और 281 की 82 मतलब दो आर्टिकल है जो जिसमें मतलब जिस आर्टिकल में ज़्यादा वैल्यू मिलना चाहिए था बस उस आर्टिकल को डाइल्यूट कर दिया, दूसरे आर्टिकल में ज़्यादा वैल्यू दे दिया, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, ये हुआ था 2 साल बाद पहले से। ठीक है, अभी देखो तो ये जो है फाइनेंस कमीशन जो है 280 में फाइनेंस कमीशन आता है, ये क्या बोलता है किसको कितना पैसा जाएगा, ये सारा के सारा चीज़ें हैं ये फाइनेंस कमीशन सेट करता है सारा के सारा, ये इकोनॉमिक जितना प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, किसको कितना ग्रांट मिलेगा। 292 क्या बोला जाता है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले तो गवर्नमेंट इंडिया कुछ बोरो करेगा तो ये 292 के तहत करेगा। 293 क्या बोला, बोरोइंग बाय स्टेट्स, ये बोरिंग बाय इंडिया और बोरिंग बाय स्टेट्स। 230 ये देखो, ये 230 सबसे ये पहले कहाँ था, फंडामेंटल राइट्स में था, ये पर्सन नॉट टू बी डिराइव फ्रॉम ऑफ डिप्राइव ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी था ये पहले। जो अभी देख रहे हो ना जितना फंडामेंटल राइट्स है वो सारा के सारा फंडामेंटल से इसमें भी इस, मतलब पहले 7 था अभी 6 हो गया, तो 6 फंडामेंटल एक फंडामेंटल राइट राइट टू प्रॉपर्टी था, ये हटा के फिर 30A में लेके आ गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कहाँ पर लेके आए, 30A। ठीक है, नेक्स्ट 301 ये जो है देखो साइड बाय साइड आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा पार्ट में आता है, जो 301 जो है ना ये 301 2 307 ये जो है ये क्या बोलता है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये पार्ट 13 में आता है। ठीक है, तो पार्ट 12 में क्या आता है, पार्ट 12 में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आता है बोले थे ना पार्ट 12, तो पार्ट 12 में फाइनेंस याद कर लो वही चलेगा। ठीक है, 264 से 300A ये क्या है, फाइनेंस कमीशन सब इसमें आता है। ठीक है,
और ये तो 264 तक था। अब टू, इससे पहले क्या था, 245 टू 263, ये क्या था, पार्ट 12। तो पार्ट 12, सॉरी पार्ट 11 होगा ना, 245 टू 263, क्योंकि टू पार्ट 12 क्या है, या यहाँ पर ये तो पार्ट 12 अभी बताया, 264 टू 30 है, तो पार्ट 11 होगा ये। तो पार्ट 11 क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये क्या कहलाता है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पार्ट 10 के बात करेंगे, तो पार्ट 10 क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, तो ये किस में आता है, 244 से 244 का ए, तो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है वो पार्ट 9, क्या है, पंचायत के बारे में बताया था ना, जो ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, और 9A, ये क्या है, म्यूनिसिपैलिटी, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये सारा के सारा चीज़ याद रखना है, ठीक है। पंचायत किस में आता है, 243 टू 243 O, क्लियर। तो देखो टू द पॉइंट हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए सीधा पॉइंट टू पॉइंट नोट्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिसन द वीडियो, ओके, सी द वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड, और इसी से ही क्वेश्चन पूछता है घूम फिर के, ठीक है। तो ये 30A में तो हो गया था 301, देखो 301 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो ट्रेड कॉमर्स जो ट्रेड कर सकते हो ना, तो ये इसका फ्रीडम कौन देता है, 301। फिर 312, तो आप जानते हो 307 से लेके फिर, मतलब 307 नहीं, 308 से लेके फिर 323, ये क्या आता है, इसमें यूपीएससी आता है ना, तो यूपीएससी के बारे में बताते, देखो 315 है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, फिर 320 क्या है, फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, 323 का ए, एट्रीब्यूट, ए सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, 324 अब आ जाएगा इलेक्शन कमीशन। देखो ये जो पार्ट, मतलब जो 308 से 323, ये कौन सा पार्ट में आता है, ये पार्ट 14 में आता है ना, बट पार्ट 15 था, आप लोग जानते होंगे पार्ट 15 क्या है, 324 टू 329 का ए, तो इसमें क्या है, ये है आपका इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन, ECI, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताते हैं। फिर आ जाओगे तुम पार्ट 16, अच्छा कहाँ पर थे, और पार्ट 16 है आपका थ्री 330 टू 342, तो हम लोग अब आएंगे 324, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन को जो कंट्रोल दिया गया इलेक्शन के बारे में, उसको सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल सब कुछ करेगा इलेक्शन कमीशन, ये 324 बोलते हैं। 330 क्या है, व्हाट इज 330, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब हाउस ऑफ द पीपल बोले तो लोकसभा में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, SC ST की जो रिजर्वेशन है ना, इसके बारे में बताता है। और ये किस में आता है, बोलो अभी, पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजन टू SC ST एंड OBC एंड एंग्लो इंडियंस, ठीक है। तो SC ST, SC ST, OBC और एंग्लो इंडियंस, ये लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलता है पार्ट 16 के तहत 332। ओके 332 342 तक ये आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन मिलता है, इसमें
330 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट देखो 335 क्लेम ऑफ ए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट, मतलब जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है वो लोगों को जो वो सर्विस और पोस्ट के लिए वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, देखो ये जो सीधा अमेंडमेंट करके लेके आ गए। 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 333 नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। देखो ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोगों को क्या, अभी हिंदी, बट नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। 352 क्या बोला जा रहा है, 352 है आपका इमरजेंसी। देखो ये जो आप पार्ट 16 बोले थे ना, पार्ट 16 क्या बोले थे, स्पेशल प्रोविजन टू SC ST एंड OBC एंड एंग्लो इंडियंस। सिमिलरली पार्ट 7 अगर 17 हम बोले, पार्ट 17 ये क्या है, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ये किस में आता है, 343 टू 351 तक आता है, ठीक है। इसके बाद आता है पार्ट 17 के बाद पता है पार्ट 18 जिसमें क्या बोलता था, इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन में क्या है, 352 टू 360, जिसमें 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी, 356 में क्या है, प्रेसिडेंशियल रूल और स्टेट इमरजेंसी, एंड इन 360 देयर इज फिनेंशियल इमरजेंसी, क्लियर। नाउ इमरजेंसी हो गया, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोलते 356 इमरजेंसी, वही बोले थे प्रेसिडेंशियल रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाएगा कोई स्टेट में। अच्छा 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, कंप्लीट खत्म। इसके बाद आता है पार्ट 19 में क्या है, ये पार्ट 19 जो है ना, मिसलेनियस पार्ट है ये, इसमें 361 टू 367 तक है पार्ट 19। तो पार्ट 19 में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है 365, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, ठीक है। तो ये भी है, मतलब प्रेसिडेंट रूल के अंदर आता है, इफेक्ट टू फेलियर कंप्लाई विद एंड टू गिव इफेक्ट टू इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन प्रेसिडेंट, ठीक है। 368 बार बार इम्पोर्टेंट, ये 110 टाइम्स इम्पोर्टेंट बोले तो पार्ट 20 में आता है, और 368 क्या है, अमेंडमेंट, आप अमेंडमेंट कर सकते हो टू थर्ड मेजोरिटी लेके। फिर पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीड्यूर देयरफॉर 370 आर्टिकल 370 तो अब हर बच्चे के जीवन में होगा। आर्टिकल 370 व्हाट इज आर्टिकल, टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट ये जो ना अभी रिपील हो गया, अबोलिश हो गया, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि कौन सा आर्टिकल अभी ख़त्म हो गया, तो आर्टिकल 370, बिकॉज अभी जम्मू कश्मीर अलग से एक टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बन गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एक लद्दाख। 371 और ये लद्दाख जो है ना सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है इंडिया का। 371 है स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये देखो ये 371 है ना, स्पेशल प्रोविजन मिला है इसमें किसके, महाराष्ट्र और गुजरात को। तो महाराष्ट्र और गुजरात एंड गुजरात इसको 370 के तहत, 1 के तहत स्पेशल प्रोविजन मिला है, बट इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट किया गया 371 का, ए बी सी डी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। देखो हियर इट इज़ रिटन,
सो तो ये जो पार्ट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, ये जो 371 ABC। सो टुडे अप टू दिस, थैंक यू फॉर लिसनिंग।